नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। तो दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। पिछले 5 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप कर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने आज मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला की शव यात्रा निकाली। इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, पार्षद रोहित कुमार ने शव यात्रा में सर मुंडवा कर पिंडदान भी किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए मानदेय दिया जाना है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद नगर निगम ने ये व्यवस्था लागू नहीं की है। हल्द्वानी के रहस्यमय घर जिसमें पिछले 1 महीने से आग लगने जैसी अजीब घटनाएं घट रही हैं, उसका आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पूरे घर का स्थलीय निरीक्षण किया और परिवार के लोगों से भी बात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि घर में आग लगने के कारणों को तलाशा जाए और अगर फिर भी पता नहीं चलेगा तो अन्य प्रकार की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। हल्द्वानी शहर में लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त रूप से कार्रवाई जारी है। आए दिन अतिक्रमण को हटाने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य जोरों पर किया जा रहा है और आज भी इसी कार्रवाई के तहत हल्द्वानी शहर में 3 निर्माण ध्वस्त किए गए और 2 निर्माणों को सीज किया गया। बता दें कि क्षेत्र में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम ने नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह की उपस्थिति में राजपुर टनकपुर रोड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। हल्द्वानी के पीलीकोटी में रहने वाले गौरव तिवारी ने भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट का पद हासिल कर सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के अभिसूचना विभाग में नैनीताल में कार्यरत मीना पांडे तिवारी के बेटे गौरव इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरल से पास आउट होकर भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बन गए हैं। पीलीकोटी निवासी नरेश तिवारी और मीना पांडे के पुत्र गौरव का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में 2019 में हुआ था। 4 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद गौरव तिवारी नेवल एकेडमी एजीमाला केरल से 26 नवंबर को पास आउट हुए। हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत द्वारा नक्शा पास करने और टैक्स वसूलने के विरोध में गोलापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने कमर कस ली है। प्रतिनिधियों का एक समूह इसके खिलाफ एसडीएम मनीष कुमार सिंह से मिला और एक ज्ञापन देकर विरोध जताया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि गोलापार चोरगलिया क्षेत्र जो कि ग्रामीण इलाका है, जिसमें जिला पंचायत द्वारा नक्शा पास करना और टैक्स वसूलने का सभी जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी घोर विरोध को करते ही हैं। अगर इस नियम को जबरन लागू किया गया तो समस्त क्षेत्रवासी और जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। हल्द्वानी में आज पुलिस प्रशासन की ओर से महर्षि विद्या मंदिर के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पुलिस की ओर से ओवर स्पीड और बिना हेलमेट के बाइक चालकों के चालान काटे गए, जिसमें कई बच्चे नाबालिग पाए गए। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर के चौकी प्रभारी संजय राठौर ने बताया कि चेकिंग के दौरान 7 बाइकों के चालान किए गए हैं। देखिए, जैसा कि हमारे कप्तान साहब बियाजी साहब का एक अभियान है कि नाबालिग बच्चे जो राइडिंग करते हैं स्कूल के समय पे बेसिकली, तो उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। आज हमने महर्षि पे ये अभियान चलाया था, जिसमें हमने लगभग 7 गाड़ियां सीज की हैं जो नाबालिग द्वारा ले जाई जा रही थी। इसके अलावा हम लोगों के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और आसपास के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने बच्चों को किसी भी तरीके से ट्रिपल राइडिंग ना करने दें, विदाउट हेलमेट ना निकलने दें और जो बच्चे नाबालिग हैं वो किसी भी दशा में दुपहिया वाहन ना चलाएं। हल्द्वानी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वो मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत की रहने वाली बताई जा रही है। बता दें कि धान मिल की रहने वाली 22 वर्षीय उपासना की बीते दिनों किसी बात को लेकर अपने पति से बहस हो गई थी, जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। इससे उसकी हालत खराब होने लगी। आनन फानन में उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। तो फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।